नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, एक काम कर दीजिए और ले लीजिए फैसला। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम सब तैयार हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। लेकिन एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी, एक फैसला ले लीजिए, अलगाववादी और माओवादी के साथ आतंकवादी, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करना है, तो एक ऐसा मंत्र, हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है और हमने अपनी मैथमेटिकल, टेक्निकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो ईश्वर ने मुझे बुद्धि विवेक दिया है, उसके अनुसार जिस तरह कांटेदार वृक्ष को, पौधे को, पेड़ को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे कांटेदार पौधे होते हैं जो बार बार निकलते रहते दोस्तों, और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, अपनी व्यक्तिगत राय, कि जिस तरह कांटेदार पौधे, झाड़ीदार पौधे जो कांटे लगे रहते हैं, जो लोगों को बार बार चुभते रहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आज से नहीं, हम लोग को सदियों से एक तरीका है, एक उपाय है। आप भी जान लीजिए दोस्त, अगर कांटेदार पौधों को ख़त्म करना है, पेड़ को ख़त्म करना है, जो भी कांटे झाड़ीदार पौधे हैं, ताकि उसमें कभी कोई उलझे नहीं, चुभे नहीं, तो 100% ये सटीक और सही उपाय है। आप जानते हैं मट्ठा, मट्ठा जानते हैं ना, छाछ जिसको बोलते हैं, वो ले जाकर उसके जड़ में, कुछ मत कीजिए, काटिए भी नहीं, छाटिए भी नहीं, उसके जड़ में डाल दीजिए। वो मट्ठा करता क्या है, वो मट्ठा जब जड़ में जाता है ना, तो वो वहाँ पे चींटी लगती है, और चींटी जो है उस जड़ को खा कर ख़त्म कर देती है हमेशा हमेशा के लिए। उसी तरह ये अलगाववादी और माओवादी जो देश में फैले हुए हैं, और चाहे वो ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश हो, या गोवा हो, या महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर हो, या लद्दाख हो, या हिमाचल हो, इनको जड़ से ख़त्म करना है तो एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, और पूरा देश साथ है, प्रधानमंत्री जी आपके साथ। दोस्तों, ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आया कि 80% लोग, 80% लोग भारत के जब भी बाज़ारों में जाते हैं, तो उनको
100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, इससे ज़्यादा उनको नगद पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 20% जो लोग हैं, अगर उनको 500 रुपया, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो भी उनको ट्रांजैक्शन करना रहता है तो ऑनलाइन करते हैं, और अब तो पेटीएम करने लगे हैं, पे फोन करने लगे हैं, जीपे करने लगे हैं, यूपीआई करने लगे हैं। और ये जो ऑनलाइन पेमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप कर दीजिए 100% ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, और 1,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि 80% जनता को 1,000 से ऊपर ज़रूरतें नहीं पड़ती है। और दूसरी तरफ 1,000 से नीचे का रुपया जो है हमारा, 100 रुपया, 200 रुपया काफ़ी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये बहुत कठिन बात है। जो ये अलगाववादी और माओवादी और आतंकवादी हैं, इनको पैसा देने वाले जो हैं काले धन, कुछ पार्टियां हैं, कुछ विदेशी फंडिंग है, और अवैध हथियार इनको मिलता कहाँ से है, ये ख़रीदते हैं विदेशों से, तो इनको पैसे तो देते होंगे, ट्रांजैक्शन तो करते नहीं होंगे। तो पैसे, आपने 2000 नोट को बंद करने का फैसला लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि 1.5-2 साल और लगेंगे। हो सकता है कि आपकी प्लानिंग चल रही होगी या हो भी गया होगा कि 500 नोट भी जितना जल्दी बंद हो जाएगा, और इनका बस उस मट्ठा का काम करेगा जो कटेले और झाड़ीदार कटीले पौधों में एक मट्ठा दिया जाता है, उसी तरह ये 500 का नोट बंद कर और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो 100% पूरे देश में 1,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर दिया जाए, तो इनकी जो जड़ें हैं कांटेदार, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मट्ठा के रूप में जाएगा, और ये हमेशा हमेशा के लिए नस्ते नाबूत हो जाएंगे दोस्तों। और हमारी यही राय है आपसे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे मेरी राय या आपको समझ में आए मेरी बात, भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि विदेश से कौन मदद कर रहा है और हमारे देश के कौन से नेता पार्टी इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि पूर्वी भारत में आप कोई भी ले लीजिए दोस्तों, किसी तरह का पेट्रोल पंप ले लीजिए, किसी तरह का सिनेमा हॉल ले लीजिए, किसी तरह का बड़े शोरूम ले लीजिए, मॉल ले लीजिए, ये माओवादी और अलगवादी राइफल और बंदूकें और ये AK-47 और एक से करवाइन और मरवाइन और ये रखते हैं, लेकर घूमते हैं, ये कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलता है। और अगर आप पेट्रोल पंप चलाएंगे, कोई एजेंसी चला रहे हैं, कोई मॉल खुले हैं, कोई सिनेमा हॉल हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका वो कहावत है कि जो बम्बई में भी महाराष्ट्र में भी चलता था, वो उसको क्या बोलते हैं, बंगाल में तो कट मनी बोलते हैं, और यहाँ पे रंगदारी टेस्ट, भोजपुरी में, ठेठ भोजपुरी में कहते हैं दोस्तों रंगदारी टैक्स। तो ये टैक्स जो है, वसूली जो करते हैं, किसके बल पे करते हैं, कहाँ से करते हैं, समय तो ज़रूर लगेगा, और ये अपने जब किसी पे आती है दोस्तों, तो वो भी कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेंगे, लेकिन इसको समझना और हमारे देश के लिए उन 2047 मतलब 100 साल पूरा होने में हम आत्मनिर्भर का मतलब
सेल्फ डिपेंड बनने के लिए, विकसित भारत के विकसित नागरिक बनने के लिए इनको जड़ से ख़त्म करना जरूरी है। और ख़त्म करने का अचूक उपाय, सटीक उपाय, ऑनलाइन 100% ट्रांजैक्शंस जिस दिन हो जाएगा, और ये जितना भी समय लग रहा है इनका यही परफेक्ट उपाय है, और यही उपाय 100% कारगर होगी, और तभी जाकर हमारा भविष्य, आने वाले पीढ़ियां एक स्वतंत्र रूप से और विकसित नागरिक, डेवलपमेंट पीपल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर बाज़ार में साइबर क्राइम और शेयर बाज़ार में साइबर क्रिमिनल जो हैं उनकी भी ठटरी बनना शुरू हो गया है, और ज़्यादा नहीं 3 महीने के अंदर आप दोस्तों देखने को मिलेगा कि क्या शेयर बाज़ार में, चाहे वो IPO को लेकर हो या चीटर कंपनी पेपर पे जो काम करती आ रही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं हमारे देश के IT सेक्टर के और चाइनीज अमेरिकी सॉफ्टवेयर के इंजीनियर, ऐप का बहाना बनाकर ऐप से लोगों को लूटने का काम, और शेयर बाज़ार में IPO का खेल, शेयर बाज़ार में नए शेयरधारकों को, रिटेलर को लूटने का काम। क्योंकि शेयर बाज़ार में भी आने वाले जो शेयरधारक हैं सोचते हैं जल्दी से करोड़पति बन जाए, तो वो भी कहते हैं आ जा तुमको मैं करोड़पति बना देता हूँ। लंबा समय इंतज़ार नहीं करना है, धैर्य नहीं रखना है, इन्वेस्टर नहीं बनना है, जल्दी 1 लाख लगाएं, 100 करोड़ बना लें। जब लेने को कहा जाएगा कि ले कर रखो 3 साल 4 साल, तो नहीं, अरे ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत दिन लग जाएगा। तो दोस्तों, या तो रेस हॉर्स है, कैशिनो है, मटका है, आप वो खेलना चाहते हैं तो शेयर बाज़ार क्या ज़रूरत है। तो शेयर बाज़ार में भी मट्ठा डालना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, और इन माओवादियों और आतंकवादियों और अलगाववादियों को भी मट्ठा पिलाना शुरू हो गया दोस्तों। चलिए, ये तो हो कर आएगा, क्योंकि जो देश के लोग 80% ठान लेंगे, ये 20% तो ऑटोमेटिक कहाँ चले जाएंगे हाथी के पिछवाड़े, पता भी नहीं चलता दोस्तों। देश के हित में हमारा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, न तो कोई पार्टी से मतलब है और ना ही कोई हमें पार्टी कुछ देती है, हम तो सिर्फ बात करते हैं आने वाली पीढ़ियों की, चिंता सताती रहती है। ये न कहें पीढ़ियाँ कि आने वाली जो भविष्य है कि हमने कुछ किया नहीं है, जो जहाँ पे है वहाँ से देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हम पीछे हो जाएंगे अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं किए तो। और शुरू हो गया दोस्तों, पान वाले से लेके ठेला वाला, केला वाला, चाय वाला, बेकरी वाला, रेस्टोरेंट, होटल, सभी तो ले रहे हैं दोस्तों। मोबाइल लगाइए, कैमरा लगाइए, पेटीएम कर लीजिए फटाक से। लेकिन ये अवैध हथियार वाले तो पेटीएम नहीं करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, उनको तो 500 का नोट जो पहाड़ों के ढेर मिलता था वो आज भी अभी
ईस्ट इंडिया पूर्वी भारत में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में अभी भी मौजूद है और उसको निकालना सिस्टम का काम है। हमारी ये जो ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी से आग्रह है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सोचते हैं, आपका परिवार सोचते हैं, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं और करते रहेंगे।